नैनीताल के वीर भट्टी में पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार के वार्षिकोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने पहुंची। सीएम धामी ने दुर्गापुर स्थित स्कूल पहुंचकर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नव निर्मित भवन का उद्घाटन कर स्कूली बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों को भी देखा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर विश्व भर के दौरे से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा और इससे यहाँ के लोगों को रोजगार और अन्य फायदे भी मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने रामनगर के पुल और जमरानी बांध की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। कई हजारों लोगों के लिए आवागमन का एक मार्ग आगे भविष्य में बन जाएगा। उस पुल के बनने से निश्चित रूप से उस क्षेत्रवासियों की बहुत लंबे समय से मांग थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नितिन गडकरी जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि पुल की स्वीकृति हो गई है और जल्दी ही पुल बनेगा। सभी क्षेत्रवासियों को भी बधाई। जमरानी बात तो बनी रहा है, एक बहुत लंबे समय से, कई दशकों से रुका हुआ काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है और उनके नेतृत्व में जमरानी बांध जहाँ बन रहा है वहीं लखवा डैम भी बन रहा है, जो वह भी कई दशकों से रुका हुआ था, उसको भी स्वीकृति मिली है, इसको भी स्वीकृति मिली है। और उत्तराखंड के अंदर ऐसे अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे, उन सभी को स्वीकृति मिल रही है।